तो आज हम लोगों का यहाँ पे वीडियो शूट था। आर्टिस्ट मेरे साथ, फीमेल आर्टिस्ट में ये है, क्या नाम है इसका, रिमझिम, और क्रू मेंबर में सतीश, और एक क्रू मेंबर और है यशवंत, बहुत अच्छा ब्लॉगर भी है जो कि काफ़ी अच्छा ब्लॉग करता है। और ये अनलक्की मैन चैनल के उत्तम है, 2023 में इसका लक अच्छा साथ नहीं, अनलक्की मैन के नाम से इसका एक चैनल चलता है, ये भी काफ़ी अच्छा ब्लॉगर है, ब्लॉग करता है। हाँ। आज बात करते हैं इन लोगों से, क्या यहाँ पे शूट किया, कैसा क्या रहा, फीडबैक लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा पूछते हैं कि कैसा यहाँ का शूट। तब उत्तम जी बताइए कैसा यहाँ का शूट रहा, क्या किए आज यहाँ पे, क्या कुछ अच्छा मिलेगा ऑडियंस को देखने के लिए। शूट तो काफ़ी ज़बरदस्त रहा, और अभी ठंडा का टाइम थोड़ा ज़्यादा बढ़ चुका है, ठंडा, इसलिए जो हुडी लगा लिया। और शूट दोस्तों देख सकते हैं, ये लोकेशन आप अभी हुडी के विषय में नहीं, लोकेशन के बारे में बता रहे सर। अभी जैसे यहाँ पे आप लोग के पीछे बैकग्राउंड दिख रहा होगा आप लोग को, कि इतना बेहतरीन लोकेशन जो है चूज किया आज शूट में। अच्छा क्या क्या किए यहाँ पे शूट में, अच्छा हाँ, जो कि ड्रोन शॉट जो कि काफी हैवी आप लोग को देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जो है बीच में एक तरीके से पूरा पानी के बीच में हम और रिमझिम और नाव पे जो है खड़ा है, तो वो शॉट तो सुन रहे थे आया नहीं, कहा कि चील डिस्टर्ब कर रहा है। नहीं, चील डिस्टर्ब कर रहा था, लेकिन रिकॉर्ड हुआ है, हमें पता है, तो वो एक रिकॉर्ड हुआ है। बाकी जो है हम लोग जो टापू से अभी आए हुए हैं, एक छोटा सा टापू उधर साइड है, तो वहां से हम लोग आए, तो वहां पे भी हम लोगों ने शूट लिया है, और छोटा ही काम किया लेकिन बेहतरीन काम हुआ। और प्लस में कुछ लोग और भी मिले जिनके साथ भी हम लोगों ने वीडियो क्रिएट किया, इंटरव्यू वगैरह वगैरह काफी सारा चीज दिया, तो वो काफी मतलब आज का दिन यहाँ जो आए वो सफल रहा, अच्छा रहा। हाँ। और काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा आज का। तो हम बात करते हैं अब अगले ब्लॉगर यशवंत बाबू के नाम से ऑफिशियल चैनल चलाते हैं, तो बोलिए यशवंत बाबू कि आज आप सबसे पहले अनलक्की मैन चैनल को देखने वाले जितने भी दर्शक है सबको मेरा नमस्कार। और आज हम लोग शूटिंग पे आए थे गढ़ी, जो कि यहाँ का लोकेशन हमारे जम्मू ज़िला में काफ़ी बेहतरीन लोकेशन है, लेकिन इस लोकेशन को काफ़ी लोग गंदा करके रखा है, जो कि नहीं होना चाहिए, साफ़ सफाई पे ध्यान देना चाहिए। और यहाँ पे शूटिंग करके हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। काफ़ी उतना आप नहीं बोलिए, बहुत बार काफ़ी बोलते हैं, काफ़ी उतना नहीं होना चाहिए, आगे नेक्स्ट क्या, काफ़ी भी नहीं होना चाहिए, काफ़ी बहुत ज़्यादा काफ़ी हो गया, तो इस बात को हम खारिज करेंगे और आगे बोलेंगे फिर से बोलने के लिए। बोलिए सर, चलिए क्वेश्चन क्वेश्चन तो वही है, क्या बस काफी ज्यादा नहीं बोलिए, क्वेश्चन अच्छा। तो वही है कि आप यहाँ पे आए तो आज आपको क्या क्या यहाँ पे देखने को मिला, आपका टीम कैसा काम किया, क्लिप एडिटिंग नहीं होगा, डायरेक्ट जाएगा, आपका टीम यहाँ पे कैसा वर्क किया, कैसा काम किया, अपने टीम से आप कितने संतुष्ट हैं? हम अपने टीम से बहुत ही ज्यादा संतुष्ट है, जो कि फुल सपोर्ट मेरी टीम ने किया। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो कि बीच में टापू जो है वहाँ पे शूटिंग करने के लिए गए, तो वहाँ पे काफी ज्यादा गंदगी था, जो कि नहीं होना चाहिए यार वहाँ पे, जबकि इसको मतलब मतलब ये भी क्या बोलते हैं, पर्यटक स्थल भी घोषित किया गया है, तो इसको थोड़ा साफ सफाई पे ध्यान देना चाहिए। यहाँ पे जो भी है अगर वीडियो को देख रहे हैं, ये सब चीज ध्यान रखने के लिए हम ये नाव वाले भैया को बोलेंगे, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा नजर रखिए, आए ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा छोड़ो, अब अगले क्रू मेंबर हम सतीश से बात करेंगे कि सतीश आज आप मतलब यहाँ पे क्या कुछ बेहतर किए हैं, क्या फीमेल आर्टिस्ट जो मतलब बहुत दिनों से डांस कर रही है, ठीक है, बहुत दिनों से डांस कर रही है, बहुत अच्छा डांस करती है, डांस के फील्ड में अगर बोला जाए तो ये 2-3 बार बिहार को रिप्रेजेंट कर चुकी है, और बहुत अच्छा डांसर है, अब एक्टिंग के फील्ड में आई है और एक्टिंग भी अच्छा कर रही है, तो ये इसका 4th प्रोजेक्ट है। आप पूछते हैं कि कैसा इस प्रोजेक्ट में, क्या कुछ अलग होगा कि नहीं, तो हाय रिमझिम जी बताइए आप मतलब बताइए अच्छा बोलो तो बताइए कैसा क्या एक्सपीरियंस रहा ये 4th प्रोजेक्ट, ऑडियंस को इसमें क्या क्या कुछ अच्छा देखने को मिलेगा, अलग कुछ अलग, इसको फनी ब्लॉग के नाम से टाइटल जाएगा, बोलो बोलो रे तो गाइस थोड़ा सा रिमझिम अभी नर्वस फील कर रही है, क्योंकि हमारे प्रोड्यूसर जो थे इन्वेस्ट किए थे, एक्टर ही इस गाने का प्रोड्यूसर थे, जो कि हम लोग को खाना भी नहीं खिलाया है, भूख लगा हुआ है, इसलिए हम लोग ज्यादा कुछ बोल नहीं पाए, यही हमारे प्रोड्यूसर है जो कि नहीं, तो ओवरव्यू अगर देखा जाए तो हम भी इसी साइड पे थे, मतलब बहुत अच्छा शूट रहा आज का,
और यहाँ पे सबसे अच्छा चीज मजा आया, सबसे अच्छा चीज हुआ क्या, यहाँ पे एक मतलब जो जमुई में काफी देखा जाता है उसका चैनल मतलब परिवर्तन बिहार, हाँ उन लोगों का इंटरव्यू भी आज यहाँ पे हो गया इत्तेफाकन, मतलब हम लोग भी आए हुए थे और वो लोग भी आए थे और एक इत्तेफाक था कि वो मिले और वो बोले कि चलिए आपका इंटरव्यू करते हैं, जो कि पॉजिटिव पॉइंट था, पॉजिटिव पॉइंट था। अब देखते हैं कि अब आगे रिस्पांस हम लोग को क्या मिलता है, कैसा रहता है। आज का तो फाइनली खत्म हो गया, तो और कुछ बस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हम लोग का जो वीडियो देखिएगा, जब वीडियो आएगा तो मिस मत कीजिएगा, तो प्यार में दिलवा दीवाना भाई हॉप म्यूजिक वर्ल्ड के माध्यम से रिलीज होगा। तो चलिए आप लोग इस गाने का आने का इंतजार कीजिए, काफी ब्लास्ट होने वाला है। तो इस ब्लॉग को यहीं तक रखते हैं, आई होप आप लोग को ये मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।